Welcome to Gazeball. Make sure to subscribe. Hey guys and welcome back to your YouTube channel. तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 10 सिक्स्थ रेंजर। तो सिक्स्थ रेंजर पर हम इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जहां हमने डिस्कस कर रहे थे एवरी सिक्स्थ रेंजर, जिसका लिंक आपको आई कार्ड में शो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो और भी कमाल की होगी क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 सिक्स्थ रेंजर्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने पावर रेंजर यूनिवर्स में अभी तक नोटिस किया कि कलर के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं हमारे रेंजर्स को। जैसे कि अगर बात करें तो रेड रेंजर हमारा ज़्यादातर एक लीडर और ब्रेव होता है, और वहीं अगर दूसरी तरफ ब्लू रेंजर को देखें तो वो एक स्मार्ट गाय होता है। पिंक रेंजर की बात करें तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। इसी तरह हमने एक और चीज़ नोटिस करी कि हमें हर टीम में एक सिक्स्थ रेंजर भी देखने को मिला जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, यूनिक होता है। कभी वो फ्रेंडली होते हैं तो कभी वो हमारे दुश्मन होते हैं, लेकिन वो हमेशा बहुत ही पावरफुल होते हैं जो अकेले ही पूरी रेंजर्स को हराने की क्षमता रखते हैं। अगर बात करें तो उनके पास बहुत ही कमाल के वेपन्स होते हैं, उनके सूट भी बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं, और साथ ही उनके पास अपने पर्सनल मेगाजॉर्ड भी होते हैं, और इसी से वो बनते हैं टीम के सबसे पावरफुल मेंबर। तो हमने अब इन सिक्स्थ रेंजर्स के बारे में जान लिया है, तो अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट पे जहां हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सिक्स्थ रेंजर्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ग्रीन सामुराई रेंजर फ्रॉम द पावर रेंजर निंजा स्टॉर्म सीरीज। तो अगर बात करें कैम की तो ये बेटा होता है हमारे पावर रेंजर्स के मेंटोर का, साथ ही अपनी टीम में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। पहले ये रेंजर नहीं होता लेकिन बाद में ये अपने आप को रेंजर बनाता है और प्रोटेक्ट करता है अर्थ को। अगर बात करें तो वन ऑफ द कूलेस्ट रेंजर है, और साथ ही जब ये अपनी फॉर्म चेंज करता है तो इसका हेलमेट भी स्विच करता है। तो नंबर 9 पर हमारे पास है मैग्ना डिफेंडर फ्रॉम लॉस्ट गैलेक्सी। अगर बात करें तो ये वन ऑफ द कूलेस्ट रेंजर है अगर इसकी स्टोरी को कंसीडर करा जाए तो। कैसे अपने स्पेस स्टेशन को बचाता है खुद की लाइफ सेक्रीफाइस करके। इसके बाद हमारे मैग्ना डिफेंडर की पावर ट्रांसफॉर्म होती है माइक के पास, और माइक बनता है हमारा सेकेंड मैग्ना डिफेंडर। नंबर 8 पर हमारे पास है एरिक मायर्स क्वांटम रेंजर। अगर बात करें तो ये लिस्ट इसके बिना अधूरी होगी। ये एक बहुत ही कमाल का रेंजर है। अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो ये स्टार्ट करता है एज अ विलन, और फिर जल्दी ही ये एक बनता है एंटी हीरो, और लास्ट में कम्प्लीटली हमारी टीम को ज्वाइन करता है और बनता है एक पावर रेंजर। लेकिन इसके बाद भी ये अपनी टीम पर पूरा ट्रस्ट नहीं करता और अपनी मर्जी से सारे काम करता है। नंबर 7 पर हमारे पास है टॉमी ओलिवर का ग्रीन रेंजर, जो हमें देखने को मिला पावर रेंजर माइटी मॉर्फियन में। अगर बात करें तो ये बहुत ही कमाल का रेंजर था, और इसने अकेले ही पावर रेंजर माइटी मॉर्फियन की बैंड बजा दी थी। अगर बात करें तो इसके पास कूलेस्ट आउटफिट थी, और साथ ही इसके पास था एक डैगर जिसकी मदद से ये अपने जॉर्ड को बुलाता था। वैसे तो टॉमी हमें और भी कलर्स में देखने को मिला है, लेकिन ग्रीन एक क्लासिक कलर है। नंबर 6 पर हमारे पास है जेन फ्रॉम पावर रेंजर इन स्पेस। अगर बात करें तो बहुत सारे फैंस इसको पसंद करते हैं इसके स्लीक लुक की वजह से और इसके ऑसम मेगाजॉर्ड की वजह से। साथ ही इसके पास है बहुत ही कमाल की पावर्स। अगर बात करें तो ये अपनी टीममेट्स की बहुत केयर करता है। जैसा कि हमने शो में देखा, इसने एंड्रॉस को बचाने के लिए गोली खुद खा ली थी, और जब रेड रेंजर यहाँ नहीं था तब इसी ने अपनी टीम को लीड किया था। तो नंबर 5 पर हमारे पास है ट्रेंट मर्सर फ्रॉम पावर रेंजर डाइनो थंडर। अगर बात करें तो ये बहुत ही कूलेस्ट रेंजर है, जैसा कि हम इसकी कॉस्ट्यूम से देख सकते हैं, और मुझे ये इसलिए भी पसंद आया क्योंकि अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो वो कुछ मिलती थी टॉमी ओलिवर के ग्रीन रेंजर से।
क्योंकि ये भी स्टार्टिंग में एज अ विलन इंट्रोड्यूस हुआ था। और अगर बात करें तो इसके पास एक कमाल की मोटरसाइकिल और कमाल के वेपन्स और भी बहुत सारी चीजें जो एक सिक्स्थ रेंजर के पास होनी चाहिए। नंबर 4, अनुबिस क्रूगर फ्रॉम पावर रेंजर एसपीडी। अगर आपको लगता है सिर्फ रेंजर्स ह्यूमन बीइंग ही हो सकते हैं तो आप गलत हो। और अगर बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट पावर रेंजर है। तो डॉगी क्रूगर इंट्रोड्यूस हुआ एज अ शेडो रेंजर इन पावर रेंजर एसपीडी और साथ ही इसने प्रूव करा कि क्यों ये वन ऑफ द बेस्ट रेंजर है। और अगर बात करें इसकी तलवार की तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्वॉर्ड है। नंबर 3 पर हमारे पास है जेसन ली स्कॉट एज गोल्ड जियो रेंजर। वैसे तो हम जेसन को जानते हैं उसके ओरिजिनल रेड रेंजर के लिए फ्रॉम पावर रेंजर माइटी मॉर्फियन, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं उसके गोल्ड फॉर्म की जो कि हमें देखने को मिली पावर रेंजर जियो में। और जेसन का गोल्ड रेंजर बहुत ही पावरफुल था जो हमें पूरे सीजन में देखने को मिला। नंबर 2, तो नंबर 2 पर आता है हमारा टॉमी ऑलिवर का व्हाइट रेंजर फ्रॉम पावर रेंजर माइटी मॉर्फियन। अगर बात करें तो ये वाला फॉर्म टॉमी का बहुत ही कमाल का था और ये ग्रीन वाले से भी अच्छा था। अगर बात करें तो इसमें टॉमी के पास बहुत ही कमाल की पावर्स थी और टॉमी एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया था इन पावर्स के साथ। तो यहाँ टॉमी के पास हमें देखने को मिली एक कमाल की कॉस्ट्यूम, साथ ही उसको एक मिला नया जॉर्ड और एक ऐसी स्वॉर्ड जो उसके साथ बात भी कर सकती थी और लेजर भी शूट कर सकती थी। नंबर 1 पर हमारे पास है लॉर्ड ड्रैकॉन फ्रॉम बूम स्टूडियो। वैसे अगर बात करें तो ये हमें किसी टीवी सीरीज में देखने को नहीं मिला, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिक्स्थ रेंजर है। ये हमें कॉमिक्स में ही देखने को मिला है। अगर बात करें तो ये इविल वर्जन है टॉमी ऑलिवर का और ये हाइब्रिड है व्हाइट रेंजर और ग्रीन रेंजर्स की पावर्स के साथ। अगर बात करें तो ये मल्टीवर्स में राज करना चाहता था और बाकी सारे पावर रेंजर्स को मारना चाहता था। ये रेंजर्स को हराता था और उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता था। साथ ही इसके पास एक पूरी आर्मी जो कि पावर रेंजर आर्मी है, तो यही चीज बनाती है इसको मोस्ट पावरफुल सिक्स्थ रेंजर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप हमारे साथ शेयर कीजिए अपने टॉप 10 सिक्स्थ रेंजर्स और हम आपको जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।